बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से कांग्रेस की कई शिकायतें की। साथ ही बीजेपी ने कहा कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने संवैधानिक पद पर रहते कांग्रेस के पक्ष में राजनीतिक बयान दिया है, इसलिए शोभा ओझा को तत्काल राज्य महिला आयोग के पद से बर्खास्त किया जाए। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं ने कहा है कि पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इमरती देवी को पूतना की संज्ञा दी है, जो दर्शाता है कि कांग्रेस की विचारधारा महिला विरोधी है। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुनासा विधानसभा क्षेत्र में शासकीय गेस्ट हाउस में रुककर राजनीतिक बैठक की, जिसकी भी शिकायत बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग से की है। देखिए, कल एक महिला आयोग की हमारी अध्यक्ष जो मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और राजनीतिक जो अभी प्रचार चल रहे हैं उसके संबंध में उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्तव्य दिया। महिला आयोग का जो अध्यक्ष है वो संवैधानिक अध्यक्ष होता है और संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं हो सकता। हमने उनके विरुद्ध में चुनाव आयोग में शिकायत की है कि उनको तत्काल पद से बर्खास्त किया जाए, चूंकि उन्होंने राजनीतिक